नमस्कार दोस्तों, निशा निलूज फ्रेश फिश में आपका स्वागत है। मैं निशा आज आपके लिए लौकी का बहुत मजेदार भरता बनाने जा रही हूँ। लौकी गर्मियों की बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल है, पर अक्सर इसे बच्चे और बड़े खाना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप इसे इस रेसिपी के साथ ट्राई करेंगे तो सभी को पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम लौकी का भरता। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए मुझे चाहिए एक लौकी, एक कटा हुआ प्याज, 7 से 8 कलियां लहसुन की मैंने काट ली है बारीक, 2 टुकड़े अदरक के, 2 से 3 हरी मिर्च, 2 कटे हुए टमाटर और थोड़ा सा धनिया। मसाले के लिए हमें चाहिए 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम लौकी का भरता। लौकी को छील के हम अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। लौकी मैंने ग्रेट कर ली है। अब इसे एक पैन में हम डाल के बॉईल कर लेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। आप इसे कुकर में भी कर सकते हैं 1 सीटी आने तक। थोड़ी सी इसमें हल्दी डालेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। लौकी में अपना भी पानी होता है। लौकी मेरी बॉईल हो गई है, इसे मैंने छन्नी में निकाल लिया है जिससे कि इसका एक्स्ट्रा पानी सब निकल जाए। अब इसका हम तड़का तैयार करते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब मैं इसमें घी डाल देती हूँ। मैं इसे देसी घी में बना रही हूँ, आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। घी गर्म हो गया है, अब इसमें जीरा डाल देते हैं। अब कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अच्छे से भून लेंगे। हो गया है, अब इसमें लहसुन डाल देते हैं, अदरक डाल देते हैं और अच्छे से भून लेते हैं। अब इसमें कटे हुए टमाटर डाल लेते हैं सारे। और इसको अच्छे से गला लेंगे। टमाटर हमारा अच्छे से भुन गया है, अब इसमें हम लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं। अब लौकी डाल देते हैं और इसे अच्छे से भून लेंगे। लौकी हमारी अच्छे से भुन गई है, अब इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं। अब इसे धनिया से गार्निश कर लेते हैं। ये हमारा लौकी का भरता तैयार है। आप इसे लंच या डिनर में रोटी के साथ खा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिए।